विधानसभा सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद के नामित नोडल अधिकारियों की बैठक गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजस्व व उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने सभी नोडल अधिकारियों को निर्वाचन के बारीकियों को बताते हुए निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने तथा अधिक से अधिक लोगों को मतदाता बनाने के लिए की जा रही योजनाओं की जानकारी दी। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि स्वीप के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों को फॉलो किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस और उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमारा काम सोचना नहीं है, हमारा काम एक्ट करना है। निर्वाचन आयोग अगर कोई चीज कर दे रहा है तो उसे हमें कर देना है। निर्वाचन आयोग ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको कहा गया तो अब आप ये बताएं कि साथ इसका उपयोग है या नहीं है। जैसे स्वीप को लेकर के सामान्य धारणा ये है कि स्वीप से कुछ नहीं होता, ये मतलब हमें ये अधिकार नहीं प्राप्त है। निर्वाचन आयोग ने कहा तो स्वीप के लिए हमें जो जो करना है मैं एक बार वो बता दूं। नंबर एक, सभी को मतदाता बनना है। कहाँ पर? जहाँ उनकी पोस्टिंग है। यदि आप जहाँ पोस्टेड हैं वहाँ मतदाता नहीं है तो आप अवैध रूप से मतदाता हैं, ठीक। उसके लिए क्या करना है, आपको वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करना है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड किया है? नहीं किया है कभी अपना मोबाइल खोले, बस वो तो रेवेन्यू वाले कर ही लेंगे पूरे जनपद। आप तो ऐसे करें जैसे रखा है स्वीप के अंतर्गत कि इस जनपद में 10 लाख की संख्या में हम लोग वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड करा देंगे। हम इसका अलग ग्रुप, एक इसका अलग ग्रुप बना दे रहे हैं। हम डाउनलोड हो गया तो उसमें अब आगे जाइए जिसका हर बड़ा सरल सा ऐप है डाउनलोड पंजीकृत हो जाएंगे, तब आप हमारे जिले में काउंट होंगे। हम स्वीप में निश्चित हो जाएंगे। पहला टारगेट है वोटर हेल्पलाइन 10 लाख की मात्रा में डाउनलोड कराना, ठीक। आप करेंगे, अभी आप अपने घर जाएंगे, आपके पास जितने मोबाइल हैं सब में डाउनलोड कर दीजिए, आपके परिवार के जितने सदस्य हैं सबको करा दीजिए, आप जिस कार्यालय में बैठते हैं जितने लोग मिले सबको करा दीजिए, लेकिन ओटीपी तक जाना होगा आपको, एक बार सबको समझा देना होगा जिससे लोग उसको रखरखाव करने लगे। फिर मीडिया के लिए सचिन साहब को हम लोगों ने जानबूझ के रखा कि थोड़ा वो भी एंगेज मतलब महसूस करें, नहीं तो व्यक्ति अलग थलग सा चुनाव व्यवस्था में जितने लोग लगे रहते हैं उनको बड़ा अच्छा लगता रहता है। तो सर को हमने इसीलिए साथ रखा कि सर भी आनंद ले यहाँ पे, नहीं तो लगेगा कि एक तो तारामंडल में है किनारे और दूसरा लगेगा जनपद में क्या चल रहा है मालूम नहीं चलेगा, निराकरण करना है। तो सी विजिल आप लोगों को देखना है, सभी SDM साहबान को देखना है, सभी तहसीलदार साहबान को देखना है। तो वोटर हेल्पलाइन डाउनलोडेड रहेगा तो फट से सी विजिल देखेंगे, आपका उसमें अकाउंट है, आप फट से देख लेंगे कि कौन सी शिकायत आपके सामने आई। आपको दिखाई पड़ा सी विजिल? पहले से डील खाया नहीं, इतने लोग खींच रहे तुम क्या कर रहे हो, तुम तो आओ ना। अरे क्या कर रहे हो, आज जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में नोडल अधिकारियों की बैठक की गई। उनको निर्वाचन आगे जो होना है निर्वाचन कार्य, उनको उनके क्या दायित्व हैं उनको समझाया गया, बताया गया, ट्रेनिंग दी गई और जो लोग अनुपस्थित थे उनको चेतावनी भी जारी की जाएगी कि निर्वाचन के जो भी कार्य होते हैं उसमें उपस्थिति अनिवार्य होती है। यद्यपि एक दो लोग ही अनुपस्थित थे, मैक्सिमम लोग उपस्थित थे। जिलाधिकारी महोदय के जितने भी निर्देश थे सबको बताए गए, सबको समझाया गया और स्वीप के अंतर्गत उनको टारगेट से अवगत कराया गया कि हमारे इस जनपद में जो डिजिटली स्वीप की एक्टिविटी है उसमें ट्विटर, वोटर हेल्पलाइन, सुनो गोरखपुर, फेसबुक, चुनावी पाठशाला, वोटर अवेयरनेस फोरम इत्यादि जितने भी बनाए जाने हैं उनकी संख्या से अवगत कराया गया, प्रेरित किया गया कि 15 नवंबर तक इसको अचीव करें।